the exam pattern overview. हम Hello students, welcome back to our channel. My name is Rukhsar. Today we will discuss about the IIT exam pattern overview. हम IIT exam pattern का overview देखेंगे, like उसको समझेंगे, understanding the structure and format. Like इस exam का format और structure क्या है? तो लाइक इसके एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है, इसकी स्कोरिंग कैसे होती है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक इन सब पे हम थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज आईआईटी जेईई, लाइक आईआईटी जेईई है क्या. सो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो लाइक ये बेसिकली एक क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इसकी फुल फॉर्म है आईआईटी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड जेईई की अगर मैं बात करूं कि जेईई को क्या कहते हैं, सो जेईई की फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. ये फुल फॉर्म है जेईई की, आईआईटी की इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस ये पेपर है एग्जाम में और ये टू टाइप्स में कंडक्ट होता है. फर्स्ट इज मेन एंड सेकेंड इज एडवांस. मेन एंड एडवांस ये टू टाइप्स के पेपर होते हैं जेईई में. अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक ये दो टाइप में डिवाइडेड है, लेकिन हमें इसे अगर क्लियर करना है तो हमें पहले जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, आफ्टर दैट हमें जेईई एडवांस क्लियर करना पड़ेगा. अब हमने ये तो देख लिया कि आईआईटी जेईई का मतलब क्या है, अब ये क्यों होता है, ये एग्जाम क्यों होता है, व्हाई आईआईटी जेईई. सो फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के पर्पस के लिए ये आईआईटी जेईई का एग्जाम होता है. लाइक फॉर बीटेक, बी फार्मा एंड लाइक बी आर्किटेक्ट, इस टाइप में आपके ये एग्जाम के लिए बीटेक, बी फार्मा एंड बी आर्किटेक्ट के लिए, लाइक डिग्री बेस्ड कॉलेजेस के लिए फॉर इंजीनियरिंग ये कंडक्ट होता है. इसको रिकॉग्नाइज जो ये पेपर होता है जेईई का, वो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम होता है इंडिया का. जैसे यूपीएससी है बहुत टफ होता है, वैसे ही हमारा ये जो एग्जाम है ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम होता है जेईई. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव लेट्स सी, अब जेईई मेन का हम ओवरव्यू देखते हैं, इसको कंडक्ट कौन कराता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेईई में मेंस एंड एडवांस का आपके पेपर होते हैं, सो मेन का एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, इसकी कंडक्टिंग बॉडी है. सो इसको कंडक्ट कराता है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज एनटीए, जो कि आमतौर पर एसएससी वगैरह के भी एग्जाम से कंडक्ट कराता है. तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है हमारी, वो आईआईटी मेंस का हमारा कंडक्ट कराती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इन अ ईयर टू टाइम्स होता है, इन अ ईयर टू टाइम्स होता है, ट्वाइस इन अ ईयर, लाइक जनवरी में होता है पहली बार एंड सेकेंड टाइम होता है ये अप्रैल में. टू टाइम्स में आपके ये पेपर होता है मेंस का, जेईई का. एंड इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है आईआईटी की प्रिपरेशन करने के लिए इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, सो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्लास 12 में पास आउट होना चाहिए सबसे फर्स्ट, लाइक उसने 11 प्लस 12 दोनों पास आउट की हो, विद कौन से सब्जेक्ट के साथ, सो सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, सब्जेक्ट्स होने चाहिए उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री
प्लस मैक्स। लाइक उसके पास अगर हम शॉर्ट में बोलो तो पी सी एम उसके पास होनी चाहिए, इन सब्जेक्ट्स के साथ वो ट्वेल्थ में पास आउट होना चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। प्लस 70 ईयर से अबव होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम वीडियो करेंगे तब हम आपको ये ओवरव्यू प्रॉपर देंगे मेंस का। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो लाइक इसमें सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिए एग्जाम पैटर्न में, जेईई मेंस का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। सो लाइक ये तीन आपके मेन एग्जाम्स के अंदर ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका फॉर्मेट हमारे पास कैसा होना चाहिए, लाइक इसका फॉर्मेट क्या है इस एग्जाम का। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 ईयर का आपका ड्यूरेशन, 3 आवर का ड्यूरेशन होता है, सॉरी 3 आवर का ड्यूरेशन है। लाइक आपको ये जो एग्जाम है वो 3 आवर में आपको कंप्लीट करना होता है, उसकी ड्यूरेशन इतनी होती है। 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल फ्रॉम 30 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। अब इसका क्राइटेरिया मैं एक बार सही से समझा देती हूँ, लाइक 30 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट का मतलब क्या है, 90 क्वेश्चन तो आते हैं पर ये 90 क्वेश्चन कैसे बटे हुए हैं ये 3 सब्जेक्ट्स में, इसका क्राइटेरिया है। लाइक ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। अब फिजिक्स में जो ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है हर सब्जेक्ट, लाइक 30-30 ईच, पर अब 30 भी कैसे, तो 30 ये कैसे होंगे, 20 आपके जो होंगे वो MCQ बेस में होंगे एंड प्लस जो 10 आपके जो होंगे वो होंगे न्यूमेरिक बेस में, न्यूमेरिकल टाइप में आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व आउट करने पड़ेंगे। सो यही जो 20 प्लस 10 का जो फॉर्मूला चलता है उसी के हिसाब से ये बटे हुए हैं, समझ में आया। पी सी एन एम, पी सी एम, सो लाइक फिजिक्स में आपके 20, MCQ 10 आपके न्यूमेरिकल बेस में हो जाएंगे और केमिस्ट्री में भी सेम क्राइटेरिया, मैथ्स में भी। सो इस टाइप से ये 90 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका स्कोरिंग क्या रहता है, स्कोरिंग +4 फॉर करेक्ट आंसर। लाइक अगर जैसे यहाँ चार ऑप्शन है अगर मैंने ये बी वाला, अगर सपोज ABCD 4 ऑप्शन है, बी वाला मेरा करेक्ट है और आंसर शीट में भी वो करेक्ट ही है, सो इसके मुझे +4 मार्क्स मिलेंगे। एंड सपोज अगर मैंने डी किया होता और ये नेगेटिव मतलब करेक्ट नहीं होता तो इसके मेरे -1 के नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो लाइक इसका ये क्राइटेरिया रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डिस्कस अबाउट जेईई एडवांस ओवरव्यू। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था जेईई हमारे टोटल मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेंस एंड एडवांस। सो एडवांस का आप देखते हैं, मेंस का तो मैंने बता दिया कि कौन कंडक्ट कराता है, कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और क्या इसका ओवरव्यू रहता है। कंडक्टिंग बॉडी इसकी क्या होती है, उसकी तो जेईई मेंस की तो हमारी FTA है, लेकिन एडवांस की ये IITs कराते हैं। इंडिया की जो top 7 हमारे IIT है, लाइक IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, लाइक ये जो 7 IITs हैं ये रोटेटिंग बेसिस पर हर एवरी ईयर कराती हैं। अभी अगर मैं करंटली बात करूँ तो कानपुर IIT कंडक्ट करा रही है अभी एडवांस का पेपर। अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जेईई मेंस की तो मैंने बता दी थी 12 पास आउट होना चाहिए आपको, +3 आपके सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास PCM। अब इसमें वही कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं जिन्होंने मेंस का पेपर क्वालिफाई किया था, लाइक वो भी कैंडिडेट इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने जेईई का मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया था और वो मेरिट लिस्ट में इंक्लूडेड थे। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सिर्फ साल में एक ही बार होता है, वंस इन अ ईयर। अगर मैं जेईई मेंस की बात करूँ तो वो टू टाइम्स होता है इन अ ईयर, बट ये जो एडवांस का एग्जाम होता है ये वंस इन अ ईयर होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव एग्जाम पैटर्न ऑफ जेईई एडवांस। सो इन जेईई एडवांस वी हैव सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लाइक वी
इस पेपर को भरने के लिए दो पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर वन एंड पेपर टू। ये दोनों ही लाइक पेपर वन एंड पेपर टू, ये दोनों ही थ्री थ्री आर के होते हैं एग्जाम। ओके, तो टोटल हमारी ड्यूरेशन हो गई एग्जाम की वो हो गई है 6 आवर। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर्स भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें मैच द फॉलोइंग भी होते हैं, लाइक अगर मैं मेंस की बात करूं तो लाइक इसमें तो एमसीक्यू और न्यूमेरिकल भी इसमें हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। और इसकी जो स्कोरिंग होती है ये एमसीक्यू बेस की अलग, न्यूमेरिक बेस की अलग, और आंसर जो मैच द फॉलोइंग वाले हैं उनके बेस पे इनकी स्कोरिंग होती है। अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा है, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी, सो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बता देती हूँ। फिजिक्स का, लाइक फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपको क्या क्या मतलब मेन मेन पॉइंट्स जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में वो, लाइक आपको मैकेनिक्स पढ़ना होता है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ने होते हैं, वेव्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स, ये आपको पढ़ने होते हैं। ये सिलेबस हमारा एक फिजिक्स का ओवरव्यू है, लाइक ये मेन टॉपिक्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस केमिस्ट्री के ऐसे ही हमारे फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पढ़ना होता है। मैथमेटिक्स में एलजेब्रा, कैलकुलस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये स्ट्रॉन्ग सिलेबस जो मैं बता रही हूँ ये लाइक एक ओवरव्यू है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं देखूँ तो लाइक प्रिपरेशन टिप्स क्या होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जेई एग्जाम बहुत टफेस्ट लेवल के एग्जाम ही लिया है, सो इसको स्टडी करने के लिए एक रिदम होना चाहिए, एक पढ़ने का तरीका होना चाहिए। स्टडी मटेरियल अगर आप यूज कर रहे हो तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक्स को आपको फॉलो करना होगा रेगुलरली, आप रेगुलरली पढ़ाई करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस कोचिंग, आपको कोचिंग मटेरियल जैसे लाइक रेफरेंसेस बुक्स जो होती हैं आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं इस प्रिपरेशन में। ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाया जाता है, लेक्चर्स वगैरह आप देख सकते हैं, एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक टेस्ट वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी। सो लाइक इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये एग्जाम लेट कवर होगा आपसे। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी उतनी ही प्रैक्टिस होगी। मॉक टेस्ट इज द मेन क्राइटेरिया, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस में इनहेंस आएगा, आपको मतलब पता चलेगा कि किस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है, कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, एंड प्लस अपनी फ्रिक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है। लाइक आपको अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में तो 3 आ रही है ना आपके पास, हर एक क्वेश्चन को अगर मैं 60 सेकेंड या 1 मिनट में लेके चलूंगी तब भी मेरे क्वेश्चन जल्दी टाइम नहीं होंगे। सो क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस में करना है ताकि हमारा जो है टाइम जो है वो मैनेज हो। सो जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो टाइम मैनेजमेंट, हर सब्जेक्ट हर रिवीजन को बैलेंस करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, क्वेश्चन को टैकल करना है, कौन सा क्वेश्चन क्या आंसर करने के लिए बोल रहा है उनको समझना है, लाइक उसको स्ट्रेटजी टाइप पे बनाना है ताकि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ और कोई क्वेश्चन छोड़ ना पाओ, लाइक ऐसे इसकी तैयारी। सो दिस इज द क्राइटेरिया लाइक ओवरव्यू ऑफ जेईई मेंस एंड एडवांस। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपसे अगली वीडियो में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।